से डिविड डिवाइजर बोलेंगे और उसको आप बाहर लिख लेते हैं, है ना? हाँ जी सर। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है x, तो इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, 3x पार 4, 3x पार 4 इज डिवाइडेड बाय x, 3x पार 4 इज डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 3x क्यूब, 3x क्यूब। ओके, हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको पता चल रहा है? यस सर। 3x क्यूब, तो आप इस टर्म को जो यहाँ लिख लेंगे, जहाँ पे हम कोशियंट लिखते हैं वहां लिख लेंगे 3x क्यूब, मैंने राइट करके बताया आपको अभी, ठीक है? ओके, और उसके बाद में क्योंकि डिविडेंड डिवाइजर में दो टर्म है, आपके पास बाइनोमियल है वहां पे, तो इस 3x क्यूब से आप इस x-1 को जो है दोनों टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। वी हैव टू राइट दी लाइक टर्म बिलो ईच अदर। ओके, सो 3x क्यूब इज मल्टीप्लाइड बाई x विल गिव यू 3x पार 4। ये वही नंबर आपको मिलेगा या वही टर्म आपको मिलेगा जो ऊपर है, क्योंकि ये स्टेप वन हम इसीलिए करते हैं ताकि ऐसा नंबर हमें मिल जाए जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये सेम नंबर मिले आपको। तो ये जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है वो सेम नंबर मिलेगा, तो 3x पार 4 के नीचे 3x पार 4 आ जाएगा, और उसके बाद 3x क्यूब को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x को, और बाद में आप मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो आपको -3x क्यूब मिलेगा, जिसको एक्स क्यूब वाले टर्म के नीचे एग्जैक्टली आपको लिख लेना है, और लिख लेने के बाद में ये लाइन करना है जो भी मैं वापस आपको करके बता रहा हूँ, ये वाला लाइन करना है, ठीक है? और फिर साइन चेंज करना है, पॉजिटिव टर्म जिसको आप अभी लिखे हैं उसका साइन चेंज करना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे किया हुआ देख रहे हैं। कैन यू सी दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू? हेलो जी, नींद तो नहीं आ गई? नहीं सर। साइन चेंज करने का मैं बोल रहा हूँ, पता चल रहा है मैंने कहाँ साइन चेंज किया? यहाँ देखो, मैं एक रेड लाइन अभी रेड टिक कर रहा हूँ, वहां पे साइन चेंज किया है मैंने, ऑलरेडी जो पॉजिटिव था उसको मैंने नीचे नेगेटिव लिखा है, और यहाँ पे जो नेगेटिव है उसको मैंने पॉजिटिव लिखा है, राइट? देखा आपने बराबर? हाँ जी। ओके, राइट। अभी जब मैं माइनस करूंगा तो ये दोनों पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म लाइक टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब जीरो मिलेगा, तो हम जीरो नहीं लिखे ऐसे कैंसिल कर देते हैं, और नेक्स्ट में दोनों टर्म सेम नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म है, तो जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म हो तो हम माइनस करके बिगर नंबर का साइन लगाएंगे, तो -4x³ +3x³ आके -1x³ मिलेगा। ओके, हेलो जी सर। जी सर। ओके, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है ना? फिर क्या करेंगे, एक माइनस करने के बाद जो बचता है वो लिख लेके नेक्स्ट नेक्स्ट दो टर्म को हम नीचे लेके आ जाएंगे, नेक्स्ट दो टर्म को हम नीचे लेके आ जाएंगे। ओके, लेके आ गए -3x-1 को, जी सर, या जो भी बचा उसको नीचे लेके आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अभी तुम्हारा अभी अभी फिर से जो डिवाइड कर रहे हो उसमें जो ये फर्स्ट टर्म है, ध्यान से देखना, ये जो फर्स्ट टर्म अभी क्या है तेरा, फर्स्ट टर्म -x³ है, राइट? तो मैंने -x³ को लिख लिया, और डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है वो x है ना जी, तो दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे -x² मिलेगा, राइट? ओके, इस -x² को मैं
जहां पे कोशियंट है ऑलरेडी 3x³ लिखा हुआ है, उसके आगे लिखूंगा -x² ऐसे, राइट? मैंने ठीक किया अभी, समझ में आया? हाँ जी सर। राइट, अभी मैं -x² से यहाँ पे x-1 है, ईच टर्म को मैं मल्टीप्लाई करके जो आंसर मुझे आएगा मैं इसके नीचे नीचे लिख लूंगा, -x³ और -3x के नीचे लिखूंगा। तो अभी यहाँ ध्यान से देखो, x³ के बाद में x² का टर्म होना चाहिए ऑर्डर से इसमें गए तो, लेकिन यहाँ पे x² का टर्म नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा जगह छोड़ के फिर आगे इन दोनों को टर्म लिखा हुआ है। तो अभी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करना है, थोड़ा जगह छोड़ना है x² के टर्म के लिए। तो x³ -x³ के नीचे -x³ आ जाएगा, और x² का टर्म नहीं है, और लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में आपको x² मिल रहा है, -x² -1 +x² मिल रहा है, तो x² के टर्म के नीचे होना चाहिए, तो उसका प्लेस में हम लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला लाइन करेंगे, ये वाला लाइन ऐसा करेंगे कंप्लीट, ओके, और साइन चेंज करेंगे। देखो माइनस का प्लस किया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा है? हेलो जी सर, जी सर। माइनस के यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, और इस प्लस के यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, साइन चेंज किया है मैंने। साइन चेंज किया है भाई, और ये दोनों अभी कट हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म जो है वो अभी ये कट होगा, ठीक है? तो ये मैंने कट कर दिया है। ओके सर, तो इसको मैंने कट कर दिया, एक्चुअली वो टच होते ही ये गड़बड़ हो रहा है, उसमें सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने ऐसे कट कर दिया उसको, राइट? और यहाँ पे जो साइन चेंज करके लिखा वो -x², जो नया साइन चेंज किया वही काउंट होगा, पुराना साइन काउंट नहीं होगा। सो -x² मैंने यहाँ लिख दिया है, क्लियर? क्लियर सर। ओके, फिर से नेक्स्ट दोनों टर्म को, आगे जो दो टर्म बचे हुए उसको मैंने नीचे लेके आके लिख लिया है। अभी एक ऑर्डर में है हमारे पास, x² -3x -x ऑर्डर में है हमारे पास, ठीक है? थर्ड स्टेप होगा -x² -x, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इस फर्स्ट डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से मैंने को डिवाइड करना है, ओके? सो -x² डिवाइडेड बाई x, -x² डिवाइडेड बाई x, -x² डिवाइडेड बाई x, विच इज इक्वल टू -x, विच इज इक्वल टू -x, ओके? नाउ दैट -x आई हैव टू राइट हियर, यहाँ पे मैंने -x² लिखा है, ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं -x आगे लिख लेना है, तो मैंने -x आगे लिख लिया है वहां पे, ठीक है? ओके, अभी इस -x से मैं x-1 के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइजर के दोनों टर्म को, तो मुझे मिलेगा -x × x इज -x², जिसको मैं -x² के नीचे लिख लूंगा, लाइक टर्म जो है बिलो ईच अदर वी हैव टू राइट, एंड दैट -x इज ऑलरेडी देयर एंड -1 इज देयर, सो -x × +, x × 1 इज 1x, सो दैट आई विल राइट। तो अभी मैंने जो लिखा वो ये है, ओके? यस सर, राइट। और इसको तुम अगर सुनते हो ध्यान से, तो साइन चेंज किया मैंने अभी, -x² है वहां पे मैंने प्लस लिखा है, और +x के वहां पे मैंने माइनस लिखा है, और इन दोनों टर्म को जो है मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि एक अल्टरनेट साइन है और दोनों लाइक टर्म है, सो इट विल बी कैंसिल। एंड -3x और -x दोनों नेगेटिव टर्म है, ऐड करके माइनस का साइन डालने से मुझे -4x मिलेगा, और -1 को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, राइट? ओके, यहां तक क्लियर है? राइट, ओके। तो अभी मेरे पास ये मिला -4x - 1 को मुझे डिवाइड करना है -x + 1 से डिवाइड करना है, तो स्टेप 4 मेरा होगा -4x / x, -4x / x में करूंगा डिवाइड, ओके? सो -4x / x डिवाइड करते समय x कैंसिल लेके मुझे -4 मिलेगा, तो उस -4 को मैं कोशेंट में आगे मेरे पास जितने भी टर्म लिखे हुए हैं उसके आगे लिख लूंगा -4 ऐसे,
तो मैंने माइनस फोर वहां पे लिखा, और अभी माइनस फोर से डिवाइजर के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस फोर एक्स प्लस फोर मिलेगा। माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस फोर वन जा फोर, ऐसा करने से मुझे ये मिल गया राइट। उसके बाद मैंने साइन चेंज कर लिया, ऐसे साइन चेंज करने के बाद में ये फर्स्ट दो टर्म है वो कट हो जाएगा और माइनस वन और माइनस फोर माइनस फाइव मिलेगा। तो इस प्रकार से मुझे जो रिमाइंडर मिला है अभी माइनस फाइव जो है मुझे रिमाइंडर मिला है, हियर द रिमाइंडर इज माइनस फाइव, समझ में आ गया। तो इतना प्रोसेस मुझे यहाँ इतना प्रोसेस करने के बाद में मुझे रिमाइंडर माइनस फाइव मिला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपको क्वेश्चन फाइंड करना हो तो आप ये मेथड करना है, डिवाइड करना है, लेकिन जब रिमाइंडर फाइंड करना हो तो इतना बड़ा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे और सीधा रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो हियर द रिमाइंडर इज माइनस फाइव। नाउ द जीरो ऑफ एक्स माइनस वन इज वन, सो पुटिंग एक्स इक्वल टू वन इन पी ऑफ एक्स वी सी दैट पी ऑफ वन इज द रिमाइंडर एंड पी ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स पावर फोर। एक्स की जगह में वन लेना है तो वन पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब में माइनस फोर, एक्स की जगह में वन लेना है तो वन क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स यानी वन, एक्स की जगह में वन माइनस वन लेंगे। फिर यहाँ पे क्योंकि वन है वन का पावर फोर वन क्यूब वन सभी वन होगा, इसलिए थ्री माइनस फोर माइनस थ्री माइनस वन सबको ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री माइनस एट आएगा और थ्री माइनस एट माइनस फाइव आ जाएगा और सिर्फ दो लाइन ओनली टू लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, वो रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर थ्योरम कितना यूजफुल है आपको पता चला। तुम लोग कोई भी एक फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर ऑफ 4 प्लस x टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। हियर p p ऑफ x p ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 4 प्लस x टू द पावर ऑफ x तो x इक्वल टू वन मिलेगा, इसलिए उसको जीरो ऑफ x माइनस वन बोलते हैं। अगर x माइनस वन है तो हमें वन लेना होगा, p ऑफ वन फाइंड करना होगा। ओके p ऑफ वन इज इक्वल टू 1 to the 1 whole to the power of 4 plus 1 to the power 4 बोल सकता है, 1 raised to 4 बोल सकता है, 1 raised to 4 plus 1 raised to 3 1 raised to 3 नहीं बोलना, 1 cube बोलना, 1 cube minus 2 1 square plus 1 plus 1 is equal to 2, so by the remainder theorem 2 is the remainder when x to the power of 4 plus x cube plus minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ओके, एग्जांपल 10 जो अभी बोला अभी वो नहीं बोलेगा, जो नहीं बोला था 9th एग्जांपल वो 10th एग्जांपल पढ़ेगा आगे। ओके सर। Check whether the polynomial q of t is equal to 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1. As you know, q of t will be a multiple of 2t plus 1 only if 2t plus 1 divides q of t, leaving remainder 0. Now taking 2t plus 1 is equal to 0, q of t is equal to minus 1 by 2. Also, q bracket minus 1 by 2 is equal to 4 bracket ऐसे नहीं minus बोलते 1 by 2 q of minus 1 equal to 4 into minus 1 by 2 cube plus 4 into minus half square, ऐसे पढ़ सकते हैं या 1 by 2 भी बोल सकते हैं, minus of minus half minus 1। okay? Yes sir, minus of minus half माइनस वन
is equal to minus 1 by half, 1 by minus half plus 1 plus half plus minus 1 is equal to 0. अभी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल होके इक्वल टू जीरो मिलेगा. ओके आगे. यस सर. सो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग क्यू ऑफ टी बाय 2t प्लस 1 इज 0. So 2t plus 1 is a factor of the given polynomial q of t, that is q of t is a multiple of 2t. तो जब भी इस एग्जाम्पल 10 से हमको ये सीखने को मिला, जब भी रिमाइंडर जीरो मिलता है तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम फैक्टर बोलेंगे. तो एक फैक्टर होगा तो दूसरा उसका मल्टीपल होगा, ठीक है ना. इफ डिवाइजर इज ए फैक्टर देन द डिविडेंड इज अ मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर. ओके सो 2t प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल q ऑफ t एंड q ऑफ t इज ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1. ओके इस चीज को समझा. हेलो यस सर. समझा ना अभी जो बोला मैंने. हाँ सर समझा. अभी जिसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मान लो 10 को तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, 10 इज डिवाइडेड बाय 2. तो मुझे ये दिखाना है कि 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है. तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि 2 जो है वो 10 का डिवाइजर है, इसलिए 10 2 का मल्टीपल है. ओके अभी 2 से 10 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, कोशियंट तुझे मिलेगा 5 और रिमाइंडर तुझे मिलेगा 0. और जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो जिस नंबर से हम डिवाइड करने वाले हैं या करते हैं वो नंबर डिवाइजर होता है, यानी फैक्टर होता है. और जिसको डिवाइड करते हैं डिविडेंड को वो उसका मल्टीपल होता है. सो 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, हुआ कि नहीं. हाँ जी सर हो गया. तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है.